नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 का कंप्लीट मॉडल पेपर लेकर आए हैं और कंप्लीट 150 क्वेश्चंस को हम यहां पर देखेंगे, जिसमें कि आपके 30-30 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम आपका एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा यह मॉडल पेपर। तो इसे आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और यदि आप चैनल पर हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। स्टार्ट करेंगे इसे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है और लिखा हुआ है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। क्वेश्चन वन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं ये आपको बताना है। तो सामान्यतया हम सभी जानते हैं 9 महीने लगते हैं किसी भी बालक को गर्भ में विकसित होने के लिए, और यहाँ पर 9 महीने को हम जब 30 से गुणा कर देंगे तो लगभग 270 आता है, जो कि ऑप्शन बी 280 के निकट है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, 280 दिन विकसित होने में लगते हैं किसी भी बालक को गर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन दो है। लिखा हुआ है कि खिलौने की आयु कहा जाता है, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो खिलौने की आयु ऐसी आयु होती है जिसमें बालक खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु, खिलौनों की आयु कहा जाता है। और ये जो पूर्व बाल्यावस्था है ये होती है आपकी 3 से 6 वर्ष की। ठीक है, 4 वर्ष की आपकी अवस्था होती है जो कि पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, 3 से लेकर आपकी 6 वर्ष की आयु। ठीक है, ये पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 है। लिखा हुआ है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो कि वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य या फिर ये सभी। ठीक है, तो किसी भी बालक की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं ये सभी कारक जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाए, पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य और इसके अलावा वंशानुक्रम, ये चारों आपको याद रखने हैं। ये चारों कारक हैं जो कि वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 4 है। इनमें से कौन सा एक बाह्य कारक है जो एक बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अभी यहाँ पर क्या पूछा गया था, वृद्धि को विकास को प्रभावित करने वाले खाली कारक पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर बाह्य कारक या फिर बाहरी कारक जो कि वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, शारीरिक, पर्यावरण ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है बुद्धिमता, जैविक कारक या फिर अनुवांशिक कारक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शारीरिक पर्यावरण। ठीक है, शारीरिक पर्यावरण एक ऐसा बाह्य कारक है जो कि एक बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। इसके अलावा परिवार और घरेलू विशेषताओं जैसे कि शहरीकरण, आधुनिकीकरण, पोषण और ऊंचाई, तापमान जैसे कि भौतिक वातावरण आदि विशेषताएं जो कि प्रारंभिक बचपन के विकास को प्रभावित करने वाली, ये भी कुछ कारक हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है। ठीक है, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। एक ऐसी अवधि होती है जिसमें समायोजन के लिए विराम करता है। तो यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसारित करता है ये आपको बताना है, या फिर किस सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, ये इसका अनुसरण करता है। और क्या है ये चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, तो किसी भी कार्य को करना, उस कार्य के दौरान खुद को समायोजित करना, तथा यह एक सामान्य क्रिया है जिसमें व्यक्ति खुद को कोई भी कार्य करने के लिए अनुकूल बनाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ठीक है, तो ये बाल विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही होगा, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं। और ऑप्शन डी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये सही नहीं होगा, मतलब सभी विकास तथा अधिगम जो होते हैं ये समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो विकास होते हैं वह अनुकूलन की प्रक्रिया
से होते हैं, ठीक है। जबकि विकास वृद्धि और फलस्वरूप विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव परिवार या फिर पशु। तो यहाँ पर जो है जैव एवं अजैव ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। जैव अजैव सभी कारक जो होते हैं ये प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है, अनुवांशिकता की इकाई है, ठीक है। अनुवांशिकता की इकाई कौन सी है, क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या फिर युग्मज। तो यहाँ पर जो अनुवांशिकता की इकाई है जीन, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, जीन या फिर गुणसूत्र। ये जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है अपने लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं, जीन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन 9 है, लिखा हुआ है, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपर स्टार या फिर सुपर स्टार का जो हिंदी मीनिंग होता है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, अति मानव, ठीक है। सुपरस्टार का हिंदी मानव क्या होता है, हिंदी मीनिंग होता है अति मानव, वह होता है, ठीक है। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार वह होता है, तो ऑप्शन को देख लेते हैं, ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है या फिर दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुपरस्टार वह व्यक्ति होता है जो ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 10 है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समाय समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे, ठीक है। यदि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है, तो क्यों करना चाहिए ऐसा, तो ऑप्शन ए है यहाँ पर लिखा हुआ है, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सके इसलिए वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीखें, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, पाठ्यक्रम और बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, ठीक है, इसलिए जो है कक्षा कक्ष में समवयस्कों को अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 11 है, प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्नलिखित में से होगा, ठीक है। तो प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं, तो सबसे पहले आपको 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक, फिर होती है मूर्त संक्रियात्मक और फिर औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले संवेगात्मक, यहां पर ये जो अवस्था होती है पहली अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था, आपको अलग अलग नामों से देखने को मिलेगी, कहीं पर संवेदनात्मक गामक अवस्था जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था आदि। तो यहां पर जो पहली अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में, ठीक है, यहां पर, और इसके बाद में जो दूसरी यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल और औपचारिक संक्रियात्मक काल, ये जो चारों अवस्थाएं होती हैं ये प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन 12 है, लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर पहला ऑप्शन है छोटे छोटे इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन बी है एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, ठीक है, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से भी अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित, 7 अभियोग्यताओं के अधिमानों को निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि गार्डनर ने जो अभियोग्यताओं का अधिमान किया है उसमें कौन कौन से यहाँ पर
जो है अभियोग्यताओं का इन्होंने वर्णन किया है। तो जो पहली अभियोग्यता है वो दृश्य स्थानक अभियोग्यता होती है, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। दूसरी है भाषात्मक अभियोग्यता, फिर है अंतर्व्यक्तिक अभियोग्यता, और चौथी है शारीरिक अभियोग्यता, फिर आती है समायोजन की अभियोग्यता, देन तार्किक अभियोग्यता, और फिर खेल अभियोग्यता, ठीक है। तो ये सात अभियोग्यता है जो कि गार्डनर ने अपना अभियोग्यता का जो सिद्धांत दिया है उसमें वर्णन किया है। इसके अलावा जो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावनात्मक अभियोग्यता, ठीक है, ये इसका प्रतिपादन गार्डनर ने नहीं किया है, ठीक है, भावनात्मक अभियोग्यता, ये गार्डनर ने इस अभियोग्यता को नहीं बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है ये आपको बताना है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत भी गार्डनर का है, और इसकी जो आलोचना है तो इसका हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है, ठीक है, ये बहुबुद्धि की आलोचना हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 15 लिखा हुआ है, भाषा में अर्थ की छोटी इकाई कौन सी है? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है ये आपको बताना है। तो वाक्य, संकेत, प्रयोग विज्ञान, स्वामिन या फिर रूपम। तो यहाँ पर अर्थ की सबसे छोटी इकाई की बात हो रही है, तो रूपम जो है यह अर्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसका अर्थ निकाला जा सकता है। और यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे छोटी इकाई की, तो यह होती है आपकी श्वमिन। तो यह आपको दोनों याद रखना है, यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई होती है श्वमिन, और अर्थ जिसका अर्थ निकाला जा सकता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है रूपम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 16 है, प्रायः लड़कियाँ गणित में कमजोर होती हैं, यह जो है यह किस प्रकार का कथन है? तो सत्य धारणा है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, अनुसंधान आधारित धारणा है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये जो होता है यह जो है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, ऑप्शन बी, ठीक है, यह सत्य नहीं होता है। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं कथन सत्य नहीं है, लेकिन लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अक्सर यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं खालिस्तान कहलाती हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ठीक है, और ना कि जीव विज्ञान की संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्ट ताएं कहलाती हैं। तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा, ठीक है, एक ऐसी कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के छात्र हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि पृष्ठभूमियाँ उनकी भिन्न भिन्न हैं, तो युक्त छात्र सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाते हैं, यह कथन आपको बताना है, यह कथन सत्य है या फिर असत्य। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन ए है यहाँ पर गलत है, क्योंकि यह बच्चे के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग महसूस कर सकते हैं। बी हो जाएगा आपका सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन सी है सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, या फिर गलत, क्योंकि यह अनावश्यक इस स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा, यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक प्रकार के कौशलों को सीखते हैं यदि विभिन्न प्रकार के छात्र किसी कक्षा में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 19, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है, यदि आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होता है? तो ऑप्शन ए है, इससे विद्यार्थी और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक प्राप्त होता है, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपस्थिति में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, या फिर इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ठीक है। तो जो है यह उद्देश्यपूर्ण कब होता है आकलन? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जब इससे विद्यार्थियों शिक्षकों को फीडबैक या फिर प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 19, वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अनुदेश से पूर्व किया जाता है, वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अनुदेश से पूर्व किया जाता है निम्नलिखित में से कहलाता है? तो ऑप्शन ए निर्माणात्मक मूल्यांकन, संचयी मूल्यांकन, आरंभिक मूल्यांकन या फिर वैकल्पिक मूल्यांकन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये कहलाता है आरंभिक मूल्यांकन, जो कि अनुदेश या फिर शिक्षण के पहले किया जाता है वह आरंभिक मूल्यांकन,
होता है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन 21, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सत्य या असत्य, ठीक है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न इनको नहीं रखा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या फिर सत्य असत्य या फिर निबंधात्मक प्रश्न, तो ऑप्शन सी सत्य और असत्य वाले जो कथन जो प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ कथनों की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। और ये जो एमसीक्यू होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम यहाँ पर देखते हैं, चार ऑप्शन होते हैं, इन्हें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शेष से भिन्न है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शेष से भिन्न है, तो 16 PF TAT रेवन का परीक्षण या फिर ड्रॉ ए मैन परीक्षण, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है रेवन का परीक्षण, ये जो है सभी से भिन्न है क्योंकि यहाँ पर TAT 16 PF और ड्रॉ ए मैन के परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण है, जबकि जो रेवन का परीक्षण है यह अशाब्दिक परीक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवन का परीक्षण जो है अशाब्दिक परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा संबंधी है, विशेष शिक्षा संबंधित है, पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से, मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से या फिर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, विशेष शिक्षा संबंधित किससे, तो कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24, शिक्षा पर आधारित अधिनियम 2009, शिक्षा पर आधारित अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर किसे पूरा करना होगा, तो ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन ए है, यहाँ पर पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, ये सभी जो है यहाँ पर ये सभी दायित्व एक शिक्षक को पूरे करने होंगे शिक्षा पर आधारित अधिनियम 2009 के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 25 आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है, तो सभी कथनों को हम यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा देना, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालय में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा देना, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय शिक्षा देना, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना, तो इसका जो सही आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं उन्हें सामान्य कक्षा में ही पूरे समय शिक्षा देना, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन 26 आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, तो ऑप्शन ए है मंदबुद्धिता, ठीक है, इसमें अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है और ये सही होगा, ऑप्शन बी है जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन करना, ठीक है, शैशवकाल के समय दिमागी बुखार एवं शिक्षा की शैक्षणिक शैलियाँ, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षक की शैक्षणिक शैली, ठीक है, इसे छोड़कर ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, इसे छोड़कर अन्य सभी के कारण शैक्षणिक अक्षमता अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 27, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशाली होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो यहां पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन है पुरस्कार के लिए, ठीक है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए अपनी रुचि से, या फिर दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बच्चे सर्वाधिक सृजनशील तब होते हैं जब उनकी उसके खेल के प्रति या फिर किसी भी कार्य के प्रति रुचि होती है, उनकी स्वयं की रुचि होती है, तब वे उसके प्रति अधिक सृजनशील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 28, पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान पर प्रयोग करके किया था, ठीक है, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था ये आपको बताना है, तो पावलोव ने जो है अधिगम अनुबंध
प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है इसका प्रयोग कुत्ते पर किया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन 29। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तो किससे संबंधित है? यहाँ पर तत्परता से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। जो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है वह तत्परता से संबंधित है। अगला है, एक अच्छा विद्यालय वह है जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। एक अच्छा विद्यालय वह है जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे, जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, या फिर जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे वह बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो बालक सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए वह बालक होता है। एक इस प्रकार का जो विद्यालय होता है वह एक अच्छा विद्यालय होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा बाल विकास से पहला क्वेश्चन। अब हमारा दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी, और हिंदी से जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है भाषा सीखने का उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक ज़रूर कर दें, आपके एक लाइक से मेरे लिए मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो को यहाँ पर लाने के लिए हम जो है प्रतिबद्ध होते हैं। तो ठीक है, तो क्वेश्चन वन है हिंदी भाषा से आपका लिखा हुआ है, भाषा सीखने का उद्देश्य है, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने, उससे पहले आपको बता दें जो ये भाषा हिंदी है ये चाहे आपकी भाषा वन हो या भाषा दो हो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों के बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना, या फिर प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 32 है, बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह कथन है वाइगोत्स्की का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन 33, विद्यार्थियों का, अभी आपको बता दें इसमें दो जो आपके गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं उससे आपके 15 नंबर होते हैं, और इसके अलावा आपके 15 नंबर यहाँ पर हिंदी पैडागोजी पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी के जो पैडागोजी, हिंदी के जो शिक्षण शास्त्र है उससे क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद में यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 33 लिखा हुआ है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। ठीक है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग की विधि विविध अवसरों, ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए है भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की, या फिर शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत एवं व्यापक आकलन की। ठीक है, विद्यार्थी का भाषाई विकास समग्रता से हो इसके लिए क्या आवश्यक है? तो सतत एवं व्यापक आकलन, ठीक है, ये जो है इसकी आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, या फिर केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 35, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, ठीक है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को